हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिता का किचन। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े, एकदम नरम, मुलायम और स्पॉन्जी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए लेंगे एक बाउल उड़द दाल, जिसको हम धोई भी बोलते हैं, आधा बाउल मूंग दाल, दोनों को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। इसमें पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो देंगे। अब दाल मेरा फूल चुका है, देखिए अच्छे से टूट जा रहा है। अब इसको 3 से 4 पानी हम अच्छे से धो लेंगे और इसको छन्नी में निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम हटा देंगे। अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हल्का दरदरा ही इसे हम पीसेंगे। देखिए इतना ही दरदरा पीसना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च क्रश किया हुआ, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच नमक और धनिया पत्ता। थोड़ा सा काजू और किशमिश क्रश किया हुआ। और इसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे इसको। इसको जब भी फेंटे एक ही डायरेक्शन में फेंटे। गैस ऑन करेंगे, फ्राई पैन चढ़ाएंगे, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच खड़ा जीरा और इसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। जब हल्का कलर चेंज हो जाए तब गैस को ऑफ कर लेंगे। अब देखिए मेरा ठंडा हो गया है, इसे एक जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। बड़ा का मसाला तैयार हो गया, इतना ही बारीक पीसना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए दही देखिए फेंटते फेंटते 10 मिनट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका क्वांटिटी भी डबल हो गया है। अब एक बाउल में पानी लेंगे और थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे कि फ्लफी हुआ है कि नहीं। देखिए जैसे डाले वैसे ऊपर आ गया, इसका मतलब कि मेरा बैटर रेडी हो चुका है। तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बैटर डाल के हम चेक कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो दही बड़ा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमेशा इसको तलने के समय फ्लेम को मीडियम पे ही रखें। अब एक बाउल में नॉर्मल पानी लेंगे, हाथ में लगाएंगे और दूसरे हाथ से 1 चम्मच बैटर डालेंगे और बीच में होल करेंगे। इसको दूसरे हाथ पे लेके तेल में डालेंगे, दूसरा भी बना लेते हैं। इसको एक रिंग का शेप देंगे और इसको भी तेल में डाल देंगे। अगर आपको ये शेप देने में दिक्कत आ रही हो तो आप गोल शेप में भी बना सकते हैं। अब बड़े में बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, अब इसे पलट देंगे। अब सारे बड़े फ्राई हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेकेंड बैच के साथ भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब मेरे दही बड़े के बड़े बनके रेडी हो चुके हैं।
एक बाउल लेंगे, उसमें गुनगुना पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक एक करके दही बड़े को डाल देंगे। इसी पानी में 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि मेरे दही बड़े नरम हो जाए और हींग का फ्लेवर भी दही बड़े में अच्छे से आ जाए। अब एक बाउल में दही लेंगे, उसको मैंने फेंट लिया है। इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही जब भी ले दही बड़ा के लिए खट्टा ना ले, ताज़ा ही ले। अब मेरे दही बड़े देखिए फूल के डबल साइज में हो चुके हैं। अब इसे हथेली पर रख के इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल लेंगे और इसको दही में डाल दे जाएंगे। इसी तरह हम सारे दही बड़े के पानी निचोड़ के दही में डिप कर लेंगे। अब इन सारे दही बड़ों को 5 मिनट के लिए दही में ही डिप करके छोड़ देंगे। अब दही बड़े को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका हम गार्निशिंग कर लेते हैं। मैंने अलग से गाढ़ी दही तैयार करके रखी हूँ, जिसमें 2 चम्मच चीनी डालकर फेंट लिया है। अब सारे दही बड़े के ऊपर इस दही को डालेंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे धनिया की चटनी। इसके बाद डालेंगे इमली की चटनी। जो मसाला तैयार किए थे, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का, उसे चारों तरफ डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। थोड़ा सा सेव भुजिया, कुछ अनार के दाने और धनिया पत्ता से इसका गार्निशिंग करेंगे। देखिए कितना बढ़िया मेरा दही बड़ा तैयार हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बनकर तैयार है। एकदम मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े। उम्मीद करती हूँ कि मेरे झटपट बनने वाले दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप मेरे रेसिपी को लाइक करें, सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।